उसे भी जब दिल नहीं भरा इन वकला का, तो फिर इन्होंने क्या किया वो भी आपको बताते हैं। बीआईसी के बाहर वकला की फायरिंग करने की फुटेज जीएनए ने हासिल कर ली है। फुटेज में फायरिंग करने वाले वकला को वाजह तौर पर देखा जा सकता है। ये है वो फुटेज जिसमें ये देखा जा सकता है वाजह तौर पर। ये देखें, उछल उछल कर छलांगे लगा लगा कर इनकी जानिब से फायरिंग की जा रही है। आराम से जाते जाते सिर्फ अपना रोबो दबदबा जाहिर करने के लिए और ये बताने के लिए कि हम पे कोई हाथ नहीं डाल सकता, हम बहुत खतरनाक हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। अपना रोबो दबदबा जमाने के लिए इनकी जानिब से फायरिंग की गई। हमारे नुमाइंदे सरफराज अहमद हमारे साथ हैं। सरफराज, ये फुटेज हमारे पास है और यकीनन हम पंजाब पुलिस से, पंजाब गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि अगर आप इनको गिरफ्तार करना चाहें तो आप हमसे ये फुटेज ले सकते हैं। गालिबन आपने बनाई है जी सरफराज। जी देखिए, पीआईसी के बाहर वकला के फायरिंग करने की जो फुटेज है वो जीएनएन ने हासिल कर ली है और इस फुटेज में फायरिंग करने वाले जो वकला हैं उनको वाजह तौर पर देखा जा सकता है और इनके जो चेहरे हैं उनको भी जो है वो शिनाख्त किया जा सकता है। और फुटेज में ये भी देखा जा सकता है कि किस तरह से जो दो वकला हैं वो अपने पिस्तौल से फायरिंग कर रहे हैं और दोनों वकला जो हैं वो फायरिंग करने के बाद नारेबाजी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और फायरिंग के बाद जो है वो इलाके में खौफ व हरास भी फैल गया और अस्पताल के अंदर जो मरीज थे उनको भी काफी ज्यादा परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ा। और वकला ने ना सिर्फ यहाँ पर हवाई फायरिंग की बल्कि पीआईसी के अंदर दाखिल होकर उन्होंने तोड़फोड़ भी की और जो पुलिस की जो वैन बाहर मौजूद थी उसको भी उन्होंने जो है वो आग लगा दी। और अब ये वाजे फुटेज फायरिंग करने की जो वकला की है वो मंजरे आम के ऊपर